बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खैर वाफ़ियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, खैर वाफ़ियत में रखे। तो जी आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम की चाय से। पहले जो बना रही थी वो थी टर्किश डिलाइट, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी। तो उसकी फुल वीडियो का भी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो जस्ट रिकैप था। वो यहाँ पर जी अभी हो रही है मोहम्मद उमर की मस्ती हो रही है, बेबी शक्टू डुल्लू उस पर। और ये होता है ना, बच्चे भांजे मेरे आए हैं उनके साथ मस्ती चल रही है इसकी, ये इसका फ़न टाइम चल रहा है। और मैंने व्लॉग जो ना काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, उसका रीज़न यही है। पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल दावतें ज़्यादा हो गई हैं तो मसरूफियात बढ़ गई हैं। मसरूफियात इस वजह से होता है कि वो होता दावतें अटेंड कर करके भी कंटिन्यूसली आप काम करते हो तो आप एक्टिव रहते हो, और अगर हट जाते हो तो फिर आप कभी कभी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। शॉपिंग हो गई और कुछ अपना केयर हो गया, इस तरह के बहुत से काम हो जाते हैं और काफ़ी टाइम। जैसे अगर आपके एक ही दावत में, स्पेशली अगर दावत में जा रहे हो तो वो पूरा दिन आपका उसी चीज़ में रिजर्व हो जाता है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो फैमिली की तैयारी वगैरह करना, बच्चों की करना, उनका सेटअप करना, उनके लिए अरेंज करके रखना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, वो सारी तैयारी करनी पड़ती है। और जब दावत में जाते हो तो दिन में हो या रात में हो तो काफ़ी सारा टाइम हमें दावत में लगाना पड़ता है। फिर वहाँ से थके आ रहे आते तो दूसरा दिन वैसे थक उतारने में लग जाता है कि भाई हाँ चले रेस्ट कर लेते। तो इसी तरह की आजकल मेरी रूटीन चल रही है। तो इसमें हो जाता है कभी कभी एक आदि बीच में डाल रही हूँ, दूसरा वो भी डाल रही हूँ। तो इस हिसाब से वो होता ना कैमरे का के किस एंगल से मैंने वीडियो बनाई, या तो वो भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, उसी वजह से मैं कोई अच्छी बीच में वीडियो नहीं बन पाई। तो इसलिए एक दो वीडियो मैंने अपलोड करके वापसी डिलीट भी की थी। बहुत सी वीडियो बनी हुई है, बनाई थी दावत में, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने तकरीबन जो ना वीडियो एडिट करती हूँ फिर डिलीट कर देती हूँ। इस तरह से आजकल मेरे साथ काफ़ी हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए कि ये सिंपल सा व्लॉग ही डाल देती हूँ, जो रूटीन है नॉर्मल सी रूटीन। काफ़ी दिन हो गया रूटीन, क्योंकि रूटीन व्लॉग है मेरा, तो उसमें मैंने कोई रूटीन शेयर नहीं की। तो जो ये जो आपको वो सामने वॉल व्हाइट कलर की नज़र आ रही है, ये है मेरा ड्राइंग रूम, जिसके नीचे आपको वो शायद हॉल भी नज़र आ रहा होगा। ये इसका ये तो बारिश का पानी, जैसे काफ़ी एक साल पहले का बारिश का पानी आ गया था, तो हमारी नेट की जालियां हैं, विंडो, पता नहीं किसी दरवाजे से अंदर पानी, छत से अंदर आ गया था, तो काफ़ी पानी जमा हो गया था। और ये बनी हुई है लकड़ी का पूरा हमारा ड्राइंग रूम बना हुआ है, कभी दिखाऊंगी आप लोगों में। तो उसकी वजह से पानी जमने की वजह से, यानी कि पानी उसे लगा था, इसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे झाड़ू वगैरह नहीं लगा, कोई भी थोड़ी सी मोटी चीज़ लगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका हॉल बन गया। अगर अब इसको बनवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, तो जो पूरी वॉल चेंज होगी इसकी, तो इसलिए अभी हमने इसको छोड़ दिया है। हमने कहा चलें तो इसको प्लास्टिक की शीट आती है उससे कवर किया, लेकिन हमने उसको खराब कर दिया। यहाँ पर मेरी बेटी कर रही थी कपड़े प्रेस, और हम लोगों की भी दावत की तैयारी हो रही थी, कपड़े वगैरह प्रेस करके, घर के भी कपड़े काफ़ी सारे थे वो भी प्रेस किए, तो कपड़े वगैरह प्रेस करके और तैयार होकर थोड़ा सा मीठा वगैरह खाकर चाय पीकर, तो अभी हम लोग आए हुए हैं गाँव में। यहाँ पर चल रही है मेहंदी की रस्म वगैरह, जो मैंने एंड में थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगी। और यहाँ पर साथ ही साथ जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, जो फर्स्ट टाइम हैं, या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये हम लोग गांव में आए, हमारे में होता है कि जो अपनी खुशी से कुछ हमारी रस्मात होती हैं, अगर कोई करना चाहता है कि मैं भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ दूल्हे की, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि दूल्हा या दुल्हन वो ही करे, अगर कोई खानदान में से कोई और भी करना चाहता है अपनी खुशी से।